उड़ीसा के एक छोटे से गांव में बड़ा सा मेला चल रहा है, जिसको बोलते हैं भूतों का मेला, जिसमें एक तांत्रिक गांव वालों को शैतान से बचाता है। अब इस अंधविश्वास को तोड़ने साइंस का एक बंदा बोले तो डॉक्टर साहब अचानक से इस छोटे से गांव में एंट्री मारते हैं। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट कब आता है जानते हो, जब वो दूसरों की जान बचाने वाले डॉक्टर साहब की जान खुद खतरे में आ जाती है। हाँ जी, सामने बड़ी सी बंदूक जिसकी गोली और डॉक्टर साहब के बीच अब सिर्फ कुछ सेकंड की दूरी है। गोली चलानी है या नहीं, इसका फैसला कौन करेगा? एक खतरनाक नक्सल इन शॉर्ट इमराज को डॉक्टर से मिलने आ गए हैं, लेकिन आप जानकर शॉक रह जाओगे, इस कहानी का मेन विलेन ये बंदूक वाला बंदा नहीं है, अरे वो खतरनाक जादू टोने वाला तांत्रिक भी नहीं है। इस फिल्म का असली विलन है जिससे सिर्फ ये छोटा सा गाँव नहीं पूरा उड़ीसा डरता है। क्या सोच रहे हो, मैं पागल हो गई हूँ, कुछ भी बोल रही हूँ? जी हाँ, पागल तो मैं हो गई हूँ, वो भी इस फिल्म के जबरदस्त सब्जेक्ट सिलेक्शन को देखकर। आपको पता है दमन का बजट सिर्फ और सिर्फ 90 लाख है, लेकिन इसका कंटेंट ऐसा जो शायद 90 करोड़ में बनने वाली फिल्म भी दूर दूर तक नहीं सोच सकती। एक पावरफुल सिनेमा जो सिर्फ स्क्रीन तक लिमिटेड नहीं है, ये रियल लाइफ में इश्यूज को बोल तरीके से हाईलाइट करता है। ऐसी शॉकिंग रियलिटी जिसके बारे में देश के 99.99% लोग जानते भी नहीं है, उसको एक सपोज करते हुए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी दिया जाता। और सबसे बड़ा चीज, फिल्म में काम करने वाले एक्टर्स हर चीज को बिल्कुल नेचुरल एंड ऑथेंटिक तरीके से प्रेजेंट करते हैं। जबरदस्त परफॉर्मेंस, वो इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं इस फिल्म के साथ कि शायद आपको फर्क भी नहीं पड़ेगा कि रियल लाइफ में उनका नाम क्या है, सिर्फ इस फिल्म के कैरेक्टर से उनको याद रखोगे लाइफ टाइम। प्लस जिस तरीके से फिल्म को एडिट किया गया है, इसका स्क्रीन पे एकदम टाइट है, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया जाता, पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ कंटेंट पे है, नो मिर्च मसाला। और कमाल की बात, फिल्म का सब्जेक्ट भले ही साइंस एंड डॉक्टर से रिलेटेड हो, लेकिन सीरियस या बोरिंग बिल्कुल नहीं है, उल्टा इंटरेस्टिंग और में काफी सीरियस चीजों को आपके सामने रखा जाएगा, हंसते हंसाते हुए काफी डीप चीजों से आपकी मुलाकात भी करवाई जाएगी, तो बीच में डर भी लगेगा। कुछ सीन्स एकदम आउट ऑफ द बॉक्स टाइप के हैं, सिचुएशंस अनप्रेडिक्टेबल हो जाती हैं, और जो ये फिल्म का टाइटल है दमन, ये कैसे बाहर निकला, उसका भी एक मजेदार किस्सा है फिल्म के अंदर। मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते इस छोटे से शब्द का रियल मीनिंग कितना खतरनाक टाइप का है। देखो, थोड़े टाइम पहले कांतारा के साथ भी यही सेम टू सेम केस था, एक नॉर्मल फिल्म जिसका कॉन्टेंट बिल्कुल नॉर्मल नहीं था, पब्लिक ने सपोर्ट किया और फिल्म हिस्ट्री बना रही है। अब दमन बिल्कुल उसके पीछे चल रही है। फिल्म का सब्जेक्ट बहुत यूनिक है, आप सोच भी नहीं सकते थिएटर में आपको क्या देखने को मिलेगा, नॉर्मल से हटकर बिल्कुल अलग टाइप का एक्सपीरियंस है। मैं पर्सनली उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी जो खुद को एक ट्रू सिनेमा लेवर मान